सुप्रभात छात्रा। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, हे ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, हे नीति नई पुरानी भारत की है कहानी। महाभारत महाभारत ओ महाभारत। नमो नमः। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 11 वेदित्वानी मित्राणी। फ्रेंड्स शुड बी नो, मित्र को भी जानना चाहिए। यहाँ पे हम महाभारत के कुछ एक पर्व है शांति पर्व, उसमें से एक चैप्टर है, शांति पर्व में से एक छोटा सा लेसन यहाँ पे लिया है। वैसे तो महाभारत में 18 पर्व है, उसमें से शांति पर्व में से ये वार्तालाप यहाँ पे जो श्लोक है वो लिए गए है। आप जानते ही होंगे कि महाभारत के कंपोजर कौन है, तो कि महर्षि व्यास। महर्षि व्यास का सबसे पहला नाम था कृष्ण द्वैपायन। द्वैपायन यानी क्यों होगा, तो कि उसका वर्ण कृष्ण जैसा था इसलिए उसका नाम कृष्ण, और द्वीप पे जन्म, द्वीप यानी आइलैंड, द्वीप पे जन्मे हुए थे इसलिए पीछे लगाया गया का द्वैपायन, इसलिए उसका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन। अब हम यहाँ से हमारा श्लोक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपसे बता दूं कि ये श्लोक है वो ये डायलॉग है, किसके बीच के डायलॉग है, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया कि डायलॉग बिटवीन भीष्म पिता एंड युधिष्ठिर विच द टीच ऑन द पोलाइटली। यहाँ पे भीष्म पिता युधिष्ठिर को अच्छे से समझा रहे हैं। भीष्म पिता युधिष्ठिर को समझा रहे कि अपने आपको मित्र कैसा होना चाहिए, कैसा मित्र आपको बनाना चाहिए, इसके वो उसे एडवाइस दे रहे हैं। तो फर्स्ट लॉग से हम स्टार्ट करेंगे कि वेदित्वानी मित्राणी विज्ञेयश्च अपि शत्रव एतत् सूक्ष्म लोके अस्मिन् दृश्यते प्राज्ञ समतम। यहाँ पे भीष्म पिता उसे फर्स्ट श्लोक में समझा रहे कि तुम्हें मित्र को जानना चाहिए और शत्रु को पहचानना चाहिए। यहाँ पे ये हमारा पूरा वर्ड है ना, उसमें जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उसके लिए ये दुनिया बहुत छोटी लगती है उसको। इसको इंग्लिश हम कर सकते हैं कि आप देखो तो फ्रेंड शुड बी नो एंड यहाँ पे है कि शत्रु को जानना चाहिए, यानी हमारा जो एनिमी है बराबर, एनिमी ऑल्सो शुड बी स्टडीज, उसको भी पहचानना चाहिए। और मैंने कहा है कि यहाँ पे कहा है कि जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उसके लिए ये दुनिया बहुत छोटी। दिस इज अ रिगार्डेड इज अ वेरी डिफिकल्ट वन बाय इवन द लर्नेड, उसके लिए दुनिया बहुत छोटी है। अभी नेक्स्ट श्लोक हमारा है कि शत्रु रूपा ही सह्यदो मित्र रूपाश्च शत्रवः संधि तातस्ते न बुध्यन्ते काम क्रोध वशं गतः। सेकंड श्लोक में कहते हैं कि कभी हमें पहचानने में गलती भी हो सकती है, कभी हमारे एनिमी के रूप में हमें कोई मित्र भी मिलता है और कभी मित्र के रूप में कोई एनिमी भी मिलता है। ये सब कहाँ पे होता है, जब हमें हमारे अंदर कोई डिजायर और एंगर भरा हो तब हमें ये चीज़ हमें दिखाई देती है, तभी ये चीज़ हो जाती है। कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कोई गलत आदमी से मित्रता बना ली है या फिर कोई गलत आदमी से हमने शत्रुता बना ली है। फ्रेंड्स एज्यूम द गाइज ऑफ एनिमीज एंड एनिमी एज्यूम द गाइज ऑफ फ्रेंड्स। व्हेन द एलियंस ऑफ फ्रेंडशिप आर फॉर्म्ड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द पार्टीज टू अंडरस्टैंड वेदर द अदर पार्टीज आर रियली मूव बाय द डिजायर और एंगर। यहाँ पे देखो व्यास मुनि है, महर्षि व्यास है,
वो महाभारत लिख रहे, ऐसा चित्र यहाँ पे दिया गया है। पुराने जमाने में इस तरह से पेड़ के नीचे बैठ कर ऋषि अपना वर्क करते थे और विद्यार्थी को भी ऐसे ही नेचुरल वातावरण, नेचुरल एटमोस्फियर में उसे पढ़ाते थे। अब हमारा थर्ड श्लोक है कि नास्ति जातु रिपु नाम मित्र नाम न विद्यते व्यवहारस्य जायन्ते मित्राणि रिपवस्ता। तो ये श्लोक आप शायद 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा आपको याद आ जाएगा कि कभी कोई किसी का मित्र शत्रु नहीं होता और कभी कोई किसी का मित्र नहीं होता। लेकिन मित्र और शत्रु की परीक्षा कब होती है? तब जब उसका बिहेवियर साम होता, अच्छा या बुरा होता है, तब मित्र और शत्रु की पहचान हो जाती है। आपका व्यवहार ही आपको मित्र और शत्रु के नज़दीक लेके जाता है। तो थर्ड श्लोक का ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि रियली स्पीकिंग देयर इज नो सच थिंग्स एज एन एनिमी और अ फ्रेंड्स। पर्सन बिकम फ्रेंड्स एज वेल एज एनिमी ड्यू टू बिहेवियर। अपने बिहेवियर से ही वो अपना मित्र और शत्रु बनाता है। फोर्थ श्लोक हमारा है कि यो यस्मिन जीवित स्वार्थ पश्यत पीड़ा न जीवति सह तस्य मित्रम तावत स्याद यावन स्याद विपर्य यह। फर्स्ट श्लोक में भीष्म पिता समझा रहे हैं कि जब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो स्वार्थ को देखता है, और जब वो दुख को नहीं देखता तब वो जिंदा रहता है। और दूसरी लाइन में कहता है कि वो उसका मित्र तभी तक बनता है जब तक वो गलत मार्ग पर नहीं जाता है। इसी श्लोक का ट्रांसलेशन हम करेंगे कि ही हु रिगार्ड्स हिज ओन इंटरेस्टेड इंश्योर एज लॉन्ग एज अनदर पर्सन लिव एंड थिंक्स देम ट्रबल व्हेन द अदर पर्सन कैसेस टू लिव टेक द अदर पर्सन एज फ्रेंड सो लॉन्ग एज देर इज नो चेंज। जब तक वो चेंज नहीं होता तभी तक वो उसका मित्र, और जब वो चेंज हो जाता है या फिर कोई गलत मार्ग पर चला जाता है तब वो उसका मित्र रहता नहीं है। अब फिफ्थ श्लोक हमारा है कि मित्रम च शत्रुता मेति कस्मचित काल पर्यय शत्रुश्च मित्रा मेति स्वार्थो ही बलवतर। फिफ्थ श्लोक में कहा जाता है कि जब हमारा समय चेंज होता है तब शत्रु है वो कभी मित्र बन जाता है, और जो मित्र है वो कभी शत्रु बन जाता है। रियली में जो स्वार्थ है ना वो यहाँ पे बलवान बन जाता है। यहाँ पे स्वार्थ है ना वो सबसे मोस्ट पावरफुल बन जाता है। इसका ट्रांसलेट करेंगे कि व्हेन द टाइम चेंज अ फ्रेंड्स बिकम एन एनिमी, एनिमी बिकम अ फ्रेंड्स। इंडीड इट्स सेल्फ इंटरेस्ट इज अ मोस्ट पावरफुल। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है ना वो मोस्ट पावरफुल हो जाता है। सिक्स श्लोक हमारा है कि तन मित्रम कारणम सर्वम विस्तृणापि मे शृणु कारणात प्रियता मेति द्वेषयो भवति कारणात। जो कोई ना कोई रीजन के कारण कोई हमारा मित्र बनता है। यहाँ पे भीष्म पिता उसे समझाते हैं कि हे मित्र, कोई ना किसी न किसी कारण से कोई हमें ज़्यादा प्रिय हो जाता है। तो भीष्म पिता उसे समझाते ही है बीच बीच में कि मित्र है ना वो कोई हमें इतना प्यारा हो जाता है कि वो हमें कोई ऐसा रीज़न आ जाता है जिसके कारण वो हमें बहुत प्रिय हो जाते हैं, और कभी ऐसा कोई रीज़न आ जाता है जिसके कारण वो हमें बहुत ही गलत या अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि ओ फ्रेंड्स लिसन टू माय होल रीज़न इन द डिटेल। इट इज़ अ बिकॉज ऑफ सम कॉज दैट वन बिकम अवर फ्रेंड्स। इट इज़ बिकॉज ऑफ सम कॉज दैट वन बिकम्स अवर एनिमी। कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कॉज के कारण कोई हमारा मित्र अथवा तो शत्रु बनता है। सेवन्थ श्लोक हमारे के प्रियो भवति दानेन प्रिय वादेन चापर मंत्र होम जपेरण्यः कार्यार्थे प्रियते जनः। यहाँ पे है कि किस तरह से कोई किसी को पसंद आ जाता है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति दान करता है तो वो प्रिय बन जाता है, दूसरा व्यक्ति है मधुर वचन के कारण प्रिय बन जाते, और अन्य लोग है कोई किसी को मंत्र बोलना अच्छा आता है तो उसके कारण वो प्रिय हो जाता है, किसी को होम हवन करना अच्छा लगता है, और किसी को कोई अच्छा कार्य करता है कोई जप करता है इसके कारण भी वो अच्छा लगने लगता है, खुश हो जाते उसे देख कर लोग, इसके कारण वो प्रिय बन जाता है।
इस श्लोक का ट्रांसलेशन हम करेंगे कि वन बिकम डियर बिकॉज ऑफ द ऑफ हिज लाइब्रेरी एंड अनदर बिकम्स डियर फॉर हिज अ प्लेजेंट वर्ड बिकॉज ऑफ चैंट सेक्रीफाइस एंड झाप अ पर्सन हिज लव फॉर द पर्पोज हर सर्व्स बराबर अपनी सर्विस अपनी अच्छी से सर्विस देने के कारण भी वो प्रिय बन जाता है। 8 नंबर का श्लोक हमारे के उत्पन्ना कारणे प्रीति राशि नो कारणांते प्रद्यस्ते कारण स्थाने सा प्रीतिर विनिवर्तते। भीष्म पिता यहाँ पे युधिष्ठिर से समझा रहे कि हम दोनों के बीच में जी जो भी रिश्तेदारी है जो भी प्रीति है ना वो भी कोई ना कोई रीजन के कारण ही उत्पन्न हुई है। जब वो रीजन नष्ट हो जाएगा तो हम दोनों के बीच में जो प्रीति है ना वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। उसका ट्रांसलेशन करते हैं हम के द डिफरेंट बिटवीन अस अरोज फ्रॉम अ सफिशियंट रीजन दैट द रीजन नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स ऑन द अदर हैंड फ्रॉम अदर एडिक्यूट रीजन द अफेक्शन कम टू एन एंड। यहाँ पे जब हमारा रीजन चेंज हो जाएगा ना तो हमारे दोनों के अंदर भी जो प्रीति है हमारे दोनों के अंदर भी जो अफेक्शनस है लव है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 9th नंबर का श्लोक हमारे कि आत्मरक्षण तंत्राणाम सुपरीक्षित कारिणाम आपदो नोपद्यन्ते पुरुषाणाम स्वदोष जायः। इस श्लोक में कहते हैं कि खुद को रक्षण करने वाले लोग जब खुद कोई कार्य करते हैं तब उसमें कोई मिस्टेक आती है ना तो मिस्टेक उसे दिखाई देती नहीं है क्योंकि वो अपना फॉल्ट कभी देखता ही नहीं है। उसका ट्रांसलेशन है द पर्सन हु आर द माइंडफुल ऑफ द प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स एंड हु डू देयर एक्ट आफ्टर प्रॉपर कंसीडरेशन डू नॉट इनकर क्लैमिटीज अराइजिंग आउट ऑफ देयर फॉल्ट। खुद का फॉल्ट है वो उसे यहाँ पे दिखाई देता नहीं। और लास्ट श्लोक हमारा है कि शत्रु न सम्यग विजानाति दुर्बला ये बलियस न तेषां च आल्यते बुद्धि ही शास्त्रार्थ कृत निश्चया। इस श्लोक में कहा गया है कि जो अंदर से दुर्बल है वो जानता है कि मेरा सामने वाला शत्रु है वो बलवान है फिर भी वो क्या करता है अपने शास्त्र के हिसाब से वो अपने अंदर की शक्ति को या अपने अंदर की बुद्धि को वो थोड़ी देर भी विचलित करता नहीं है। उसके लिए वो अपने आप को चेंज करता नहीं। उसे पता है कि सामने वाला बलवान है मुझे आगे जाने नहीं देगा फिर भी वो उसे अपने आप को चेंज करता नहीं है। और इसका ट्रांसलेशन है कि दे हु आर वीक ऑलवेज नो देयर एनिमीज हुज पोज ग्रेटर स्ट्रेंथ बहुत बलवान है। दिस इज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इन द ट्रूथ ऑफ द स्क्रिप्चर्स डज नॉट बिकम अनस्टेडी। फिर भी वो अपनी बुद्धि है उसको थोड़ी देर के लिए भी विचलित या तो चलित होने देता नहीं है। यहाँ पे भीष्म पिता युधिष्ठिर को जो भी मित्र के बारे में समझाया था वो सारे यहाँ पे श्लोक दिए गए जो मैंने भी आपको समझाया है। अस्तु।